उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर से एक ऐसा मामला खुलकर सामने आ रहा है जहां पर एक किसान ने फाइनेंस पर ट्रैक्टर लिया था। फाइनेंस की किस्त अदा नहीं होने पर ट्रैक्टर को बेच दिया। हद तो तब हो गई, उसी फाइनेंस ट्रैक्टर को चोरों के ऊपर इल्जाम लगाकर अपने ट्रैक्टर चोरी होने की सूचना थाना बड़ा पर दी थी। इतना ही नहीं, मुकदमा तक पंजीकृत करा दिया गया। तब थाना बड़ा पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण किया गया। तब पता चला कि बादी द्वारा स्वयं ट्रैक्टर को बेचकर झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया गया। फिलहाल बेचे गए ट्रैक्टर को पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया। ट्रैक्टर की कीमत 5 लाख बताई जा रही है। बादी के द्वारा जो मुकदमा चोरी में पंजीकृत कराया गया था, उस धारा को हटाकर अब बादी पर ही विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए थाना बड़ा पर कार्यवाही की जा रही है। आपको बताते चले, थाना शाहजहांपुर के बड़ा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। थाना बंडा में एक 420 मामला सामने आया, किस तरीके से इसमें कार्रवाई की गई? देखिए, 21/9/2020 को एक व्यक्ति जिसका नाम गुरजीत सिंह है, वो थाना बंडा क्षेत्र का ही रहने वाला है, उसके द्वारा ये सूचना दी गई थी कि उसका ट्रैक्टर चोरी हो गया है। इस संबंध में पुलिस की टीम ने जब उसकी सुरागवसी पतारसी करी तो पता चला कि इस व्यक्ति ने स्वयं ही अपना ट्रैक्टर बेच दिया था। ये ट्रैक्टर फाइनेंस पर था और ये फाइनेंस की किस्तें नहीं चुका रहा था और इसने ट्रैक्टर बेच के फाइनेंस की किस्तों को छुपाने के लिए और उनसे अलग होने के लिए ट्रैक्टर चोरी का मुकदमा थाना बंडा में पंजीकृत कराया गया था। ट्रैक्टर को हमारी पुलिस टीम द्वारा बरामद कर लिया गया है, जिसकी कीमत करीब ट्रैक्टर की कीमत करीब 5 लाख बताई जा रही है और जो चोरी की धारा है उसको हटाते हुए गुरजीत पर ही 420, 406 और 182 की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है।